क्या डैंड्रफ से हेयर ग्रोथ रुकता है, क्या उससे हेयर फॉल बढ़ता है, क्या डैंड्रफ से सही में हेयर फॉल होता है? मुझे पता है कि आप सब कहेंगे कि हाँ डैंड्रफ से हेयर लॉस होता है, लेकिन मेरा आंसर है नहीं। डैंड्रफ के पार्टिकल आपके हेयर लॉस या हेयर फॉल का रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फिर आप कहेंगे तो डैंड्रफ होने के बाद हमारा हेयर लॉस कैसे बढ़ जाता है? गुड क्वेश्चन। इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा और डैंड्रफ के कारण हो रहे हेयर लॉस को रोकने का टेक्निक भी मिलेगा। हाय, आई एम डॉक्टर अशोक सिन्हा, हेयर एक्सपर्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एंड यू आर वॉचिंग इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक हेयर चैनल एडॉन हेयर केयर। एडॉन हेयर केयर हेयर के लिए डेडिकेटेड एक टीम है जो इंडिया को बेस्ट ट्रीटमेंट, पीआरपी और ट्रांसप्लांट प्रोवाइड कराता है। बेस्ट मींस बेस्ट इन रियल सेंस। एडॉन की टीम हेयर के एरिया में रिसर्च भी करती है। एडॉन के दोनों प्रोडक्ट एडॉन्सिटल फिनस्ट्रोम 2.5x और ग्रोडेंस अपने कैटेगरी में बेस्ट है और एडॉन के रिसर्च का प्रूफ है। बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हेयर ट्रीटमेंट बेस्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपका क्वेश्चन है कि डैंड्रफ से अगर हेयर लॉस नहीं होता है तो डैंड्रफ के कंडीशन में हेयर लॉस कैसे बढ़ जाता है? एक्चुअली डैंड्रफ के कारण हेयर लॉस नहीं होता है, पर वो कारण जो डैंड्रफ को बढ़ाता है उसी कारण से हेयर लॉस भी बढ़ता है। समझ में आया? नहीं, इस बात को ध्यान से समझिए। वो कारण जो डैंड्रफ को बढ़ाता है वही कारण हेयर लॉस भी कराता है। अभी भी नहीं समझे? ऐसे समझिए कि हेयर लॉस और डैंड्रफ दोनों भाई हैं, पर दोनों की माँ कोई और है। पर चूंकि हेयर लॉस और डैंड्रफ दोनों प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होता है तो हमें लगता है कि हेयर लॉस डैंड्रफ के कारण हो रहा है, डैंड्रफ पर सिर्फ ब्लेम आता है। अब डिटेल में समझते हैं कि होता कैसे है। डैंड्रफ दो तरह का होता है, पहला चिपकने वाला या ग्रीजी और दूसरा ड्राई या सूखा। ग्रीजी या चिपकने वाला डैंड्रफ ईची ऑयली स्काल्प कंडीशन में होता है, जिसे इनिशियल कंडीशन में सिबोरिया और एडवांस कंडीशन में सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। इस कंडीशन में स्काल्प हमेशा इन्फ्लेम रहता है, मतलब स्काल्प पर लाल रंग के छोटे छोटे अनेकों चोट के जैसे पैचेस होते हैं और कभी कभी तो पूरे स्काल्प पर या स्काल्प के किसी छोटे एरिया पर छोटे छोटे फोड़े फुंसी भी आते रहते हैं। ऑयली स्काल्प होने के कारण स्काल्प का डेड स्किन स्काल्प में ही चिपक जाता है, जिसके कारण चिपकने वाला डैंड्रफ भी होता है। और चूंकि स्काल्प हमेशा इन्फ्लेम्ड होता है, बीमार होता है, अनहेल्दी होता है, तो हेयर लॉस भी होने लगता है। देखा आपने, डैंड्रफ और हेयर लॉस दोनों सिबोरिक डर्मेटाइटिस के कारण हो रहा है, पर हम समझते हैं कि हेयर लॉस डैंड्रफ के कारण हो रहा है। अब आप समझ गए कि दोनों का कारण एक ही है, दोनों की मां एक ही है और इस केस में वो मां है सिबोरिया या सिबोरिक डर्मेटाइटिस। डैंड्रफ और हेयर लॉस तो एक ही एक्सीडेंट से पैदा हुए दो शिकार है। अब ड्राई डैंड्रफ की बात करते हैं। ड्राई डैंड्रफ कंडीशन में स्काल्प ड्राई होता है और ड्राइनेस के कारण इची या खुजली होता रहता है, और जब हम एक्सेस खुजली करते हैं तब स्काल्प पर इन्फ्लेम्ड एरिया डेवलप होने लगता है और इन्फ्लेम्ड स्काल्प में हेयर लॉस तो होता ही है, जैसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस में होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हेयर लॉस डैंड्रफ के कारण नहीं होता है, बल्कि जिसके कारण डैंड्रफ होता है उसी कारण हेयर लॉस भी होता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कंडीशन में करें क्या, हेयर लॉस और डैंड्रफ दोनों को कैसे रोकें? कुछ बीए बीकॉम पास यूट्यूबर आपको कहेंगे कि दही नींबू लगा लो, कुछ लोग कहेंगे कि नमक से सर धो लो और कुछ कहेंगे कि रोज या हर अल्टरनेट डे पर सर धो लो। ऐसा कुछ भी करने के पहले अपने स्काल्प के कंडीशन को समझिए कि आपका स्काल्प ड्राई है या ऑयली है, और उसके बाद पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगर आपका स्काल्प ड्राई है तो 90 ml ब्लैक सेसमे ऑयल और 10 ml कैस्टर ऑयल कॉम्बिनेशन के ऑयल से अपने स्काल्प को ऑयलिंग करिए ओवरनाइट अल्टरनेट नाइट को विदाउट मसाज, और मॉर्निंग में किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश करिए। ऑयल दो काम करेगा, स्काल्प को हाइड्रेटेड रखेगा जिससे कि ज्यादा डैंड्रफ नहीं बनेगा, और जो डैंड्रफ बन गया है उसको लूज कर देगा, और जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश करेंगे तो डैंड्रफ को साथ में लेकर जाएगा। धीरे धीरे आपका स्काल्प हेल्दी हो जाएगा और हेयर लॉस कम हो जाएगा। पर अगर आपका स्काल्प ऑयली या ग्रीजी है तो एक लीवॉन लोशन जैसे फॉलिडेंस डे या नो स्कर्प लोशन हफ्ते में दो बार पूरी रात के लिए अपने स्काल्प पर अप्लाई कर दीजिए और मॉर्निंग में एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश कर दें। लीवॉन लोशन डैंड्रफ को लूज कर देगा और मॉर्निंग में जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से स्काल्प को वॉश करेंगे तो वो लूज डैंड्रफ को साथ में वॉश करके ले जाएगा। अब आप पूछ सकते हो कि इस कंडीशन में ऑयल क्यों नहीं अप्लाई करना है, ऑयल यहां भी तो डैंड्रफ को लूज करेगा। जी नहीं, ऑयली कंडीशन में सिबोरिक डर्मेटाइटिस को और खराब करेगा। ऑयली या ग्रीजी स्काल्प वाले पेशेंट ऑयल अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका चिपकने वाला डैंड्रफ और बनेगा। अब पर फिर भी ऑयलिंग करने का मन करता है तो कुछ स्पेसिफिक ऑयल हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे इमू ऑयल या नीम ऑयल। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको ये जानना है कि बेस्ट शैम्पू कैसे चुने तो कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।